अक्षरा और पवन मामले में अब एक और शख्स खुलकर सामने आ गया है। आपने सबसे पहले उस शख्स की बात सुनी जो कैमरे के पीछे रहता था, और संतोष रेणु यादव की भी बातें आपने सुन ली। इसके अलावा खुद अक्षरा सिंह जो कैमरे पर आई और उन्होंने अपने दुख का किस तरीके से खुलासा किया, कैसे उनके दर्द आंसुओं से बहकर निकल रहे थे, ये हमने आपको सुनाया, दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि ऐसा एक लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस पर वो शख्स भी सामने आ गया है जिसने इन तमाम चीजों को देखा है, ऐसा उसका कहना है। ये हम नहीं कह रहे, हम आपको अभी एक वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो में वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि जो लोग अक्षरा के सपोर्ट में आ रहे हैं उन्हें भी लाखों फोन किए जा रहे हैं, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई बीच का आदमी है जो अक्षरा और पवन के रिलेशनशिप को खराब करना चाहता है? आखिर है कौन ये? जब पवन सिंह अक्षरा सिंह का बुरा नहीं चाहते, जब अक्षरा पवन सिंह का बुरा नहीं चाहती, तो फिर ये तीसरा कौन है जो अक्षरा के सहयोगियों को धमका रहा है, बार बार गंदे गंदे मैसेजेस भेज रहा है? आखिर ये है कौन और उस शख्स का क्या कहना है, देखिए ये वीडियो। मुझे काफी आ रहे हैं, जबकि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो कैमरे के पीछे रहने वाला हिस्सा हूँ। कॉल्स मुझे भी काफी आ रहे हैं और गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अक्षरा का साथ छोड़ दो, अक्षरा को सपोर्ट मत करो, आप क्यों रितेश पांडे को हेल्प कर रहे हो, आप क्यों इस कलाकार को हेल्प कर रहे हो। ये बोलने का किसी पब्लिक को हक नहीं है, मैं किसके साथ काम करूँ नहीं करूँ और किसको सपोर्ट करूँ नहीं करूँ। मेरा दिल जिसको बोलेगा उसको सपोर्ट करूँगा मैं, और अक्षरा अपने जगह पे सही है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। अगर ये किसी और कलाकार के साथ भी होगा तो भी मैं सपोर्ट करूँगा। इस बीच आपकी अक्षरा से कोई बात हुई है, उसने कुछ बातें शेयर की आपसे? नहीं, मेरे से बातें तो शेयर नहीं की, उसके सारे इंटरव्यूज देख रहा हूँ मैं और काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि एक लड़की किस तरह अपने हक के लिए लड़ रही है और रो रही है। ये मैं तो, मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है लेकिन पिता जैसा हूँ उसका और बेटी मानता हूँ, तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो मैं चाह कि आप लोगों से बात करूँ इस बारे में, हेल्प करना चाहता हूँ अक्षरा को और मैं उसके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म के सेट पर गाली गलौज करते थे पवन जी, तो आपको नहीं लगता कि अक्षरा को तब एक स्टैंड लेना चाहिए था? देखिए, प्यार अंधा होता है, जब इंसान प्यार करते ना तभी जन्नत लगता है, और जब प्यार टूट जाता तो वही इंसान सामने वालों को वेश्या लगती है। तो ये बात गलत है, आप प्यार करो या नहीं करो, एक माँ जब कोख से बच्चे को जन्म देती है तो वो माँ कुछ भी हो वो माँ माँ ही होती है। तो ऐसे इंसान को प्यार को भी समझना चाहिए। एक बार अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको मरते दम तक कितना भी जुदा हो जाए उस प्यार को ऐसे गंदगी में मत लाके छोड़िए, और इस तरह किसी को ब्लेम मत कीजिए और किसी को हटाइए मत उनके पोजीशन से। यहाँ पर बहुत मुश्किल से एक जगह बनता है, जो जगह अक्षरा ने हीरोइन होने के बाद जो स्ट्रगल की है, वो स्ट्रगल जो मैं देखा हूँ, उसका अकेलापन, उसका तड़पना, उसका रोना, फिर एज अ सिंगर उसका खड़ा होना, और वो आज वो स्टेज शोज़ में इतनी माहिर है, इतना हिट है, और आप हर शोज़ पे जाके उसकी बुराई कर रहे हो, ये गलत बात है। और भगवान ने आपको बहुत बड़ा जगह दिया है, आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है पवन जी, इतना ही बोलूँगा, आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके जगह पे कोई पहुँच नहीं सकता है, लेकिन आपको इतना नीचे आके बात नहीं करना चाहिए किसी लड़की के लिए। जी, खबर काफ़ी ये भी फैली हुई थी कि जब पवन जी की शादी हो रही थी ज्योति सिंह के साथ, तो एक रूम में अक्षरा को बंद किया गया था, क्या इस बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, इस बारे में सुना हूँ मैं कि अक्षरा को कैद करके रखा गया, जबकि वो लड़की बहुत माहिर है, वो बहुत ताकतवर लड़की है। जब उसको बंद करके रखा गया तो वो लड़की अगर उसको खुला भी छोड़ देते तो भी वो पवन सिंह को कुछ नुकसान नहीं कर सकती थी, वो इतनी गंभीर लड़की है, इतनी मजबूत लड़की है। लेकिन शादी के बाद भी एक साल इन दोनों का अफेयर रहा, लेकिन किसके घर से इसको धमकी आया ये मुझे पता नहीं। तो अक्षरा ने सोची कि पवन सिंह के लाइफ से हट जाए तो बेटर है, तो वो हट भी गई। हटने के बाद भी इतना सब कुछ ये लफड़ा हो रहा तो ये गलत है। अक्षरा के फैंस और पवन सिंह के फैंस दोनों को, मैं सिर्फ अक्षरा के फैंस, सिर्फ पवन के फैंस से नहीं कहना चाहूँगा, जितने हीरो हीरोइन है सारे फैंस को इतना ही बोलूँगा कि जैसे साउथ में हर कलाकार को
हर फैंस रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे रजनीकांत के फैंस हो, चाहे कमल हासन के फैंस हो, चाहे महेश बाबू के फैंस हो या रामचरण के फैंस हो, सारे फैंस सारे कलाकार को रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे आप लोग भी भोजपुरी के सारे कलाकार को रिस्पेक्ट दो, किसी और के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स, माँ बहन की गंदी गाली मत दिया करो। सारे फैंस को इतना ही बोलूँगा, चाहे वो अक्षरा के फैंस हो या पवन सिंह के फैंस हो, हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से अक्षरा जी ने खुलकर सारी बात बताई मीडिया के सामने आकर, और पवन जी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से छुप रहे हैं, उनकी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं पवन जी को इतना ही बोलूँगा कि आप हमेशा मीडिया को अवॉइड करते हो, जबकि मीडिया की वजह से आप लोग हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइन हैं, अगर मीडिया वाले आप लोग को पब्लिक तक नहीं ले जाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं हो। तो आप लोग को मीडिया के सामने आना चाहिए और जो दिल में है उसको बाहर निकाल के रखना चाहिए। और पवन सिंह तो हमेशा मीडिया के सामने कब आए हैं, जब आप लोग इंटरव्यू लेना है तो कहाँ कितना समय देते हैं, 2 मिनट 1 मिनट। इस मामले पे जब भी हम बात करते हैं, कोई भी मीडिया पहुंचती है उनके पास, तो उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं रहता है, नो कमेंट कहकर टाल देते हैं बात को। तो जबकि उनसे मिलने के लिए मेरे कई सारे फैंस मेरे सेट पे आते हैं कि पवन भैया के साथ फोटो खिंचाना है, तो पवन बोलते हैं नहीं, मूड नहीं है। मूड बनाना पड़ता है बेटा। डायलॉग आपका बहुत बड़ा हिट हुआ है, पवन सिंह का मूड बनता है, तो मूड हमेशा मूड में रहिए, काम पे ध्यान रखिए, हर प्रोड्यूसर के बारे में सोचिए, सेट पे टाइम पे आइए। आपके कई सारे गाने मैंने हिट किए हैं और कैसा हिट किया हूँ आप जानते हो और मैं जानता हूँ। तो वक्त का कदर कीजिए, सेट पे टाइम पे आइए, हर प्रोड्यूसर को जिंदा रखिए, जो मीडिया हैं उनके सामने आइए और जो दिल की बात है वो सामने रखिए। मैं आज तक कभी आपकी बुराई नहीं किया हूँ और कभी करूँगा भी नहीं, लेकिन इतना कहूँगा कि कभी किसी लड़की को नीचे झुकाइए मत। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपनी बहन से प्यार करते हो, तो हर किसी को उस नज़र से देखिए। और आपके फैंस को भी समझाइए कि किसी के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स ना करें। मैं तो मर्द हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन एक औरत किस किस चैनल पे जाके, किस किस ऐप में जाके सबको ब्लॉक करते रहेगी? अगर आप लोग अपने माँ बहन से प्यार करते हो तो किसी औरत के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स मत करो, ना ही मेरे वॉल पे आके। मैं डिलीट कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं, भगवान जिस दिन डिलीट करेगा तो आप लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। थैंक यू। तो 10 मिनट के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आरडी बार बार कह रहे हैं कि उन्हें लाखों फोन्स किए गए हैं और बार बार धमकाया जा रहा है कि उसका साथ मत दो। आखिर ये कौन शख्स है जो बार बार ये कह रहा है कि उसका साथ मत दो? कौन है वो लोग जो कॉल कर रहे हैं आरडी को? क्यों आरडी को धमकाया जा रहा है? आरडी तो कैमरे के पीछे से काम करते हैं, फिर उन्हें क्यों धमकाया जा रहा है? आरडी कुछ ऐसे गाने भी थे जो अक्षरा और पवन के साथ उन्होंने किया था, लेकिन ये तमाम बातें उस वक्त की थी जब सब साथ में थे। अब अगर ये जोड़ा बिछड़ चुका है तो इसमें आरडी का क्या दोष है? इसके लिए कौन दोषी है? क्या दूसरे लोगों को तंग करना जरूरी है? अक्षरा को लेकर जो कहा जा रहा है कि अक्षरा इतने दिनों के बाद क्यों बोल रही हैं, वो खुद की पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोल रही हैं, जो पीछे निशा दुबे ने कहा था, जो कल्लू की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने तमाम बातें कही थी अक्षरा सिंह को लेकर, ये भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी। और अभी अभी जो ये वीडियो आरडी का हमने आपको दिखाया कि कैसे आरडी कैमरे के सामने आ गए और उन्होंने तमाम कच्चे चिट्ठे खोल दिए पवन और अक्षरा के बारे में जो उनके दिल में था, और खुद खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, ये कितना जायज है और कितनी सच्चाई है आरडी के इन तमाम बयानों में, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, तफ्तीश के बाद पता चलेगा। और जब पूरी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी और इस पूरे मामले पर जब जांच पड़ताल चल जाएगी, तब पता चल पाएगा कि क्या है दूध और क्या है पानी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया, सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया, लेकिन अपने कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का है बेसब्री से इंतजार। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हमें और हमारे प्रोग्राम को आपने कितना पसंद किया है और किस तरीके से आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।